नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपको इंजीनियरिंग वायरस में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप रोजाना यूज करते हो पैसा निकालने के समय या फिर कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर के समय, तो वो चीज़ है एटीएम, जो कि है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो मैंने सोचा कि आज चलो सब तो एटीएम कार्ड के प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, मैं चलो आज बताता हूँ एक एटीएम मशीन का जो मैकेनिज्म क्या होता है, उसका अंदर क्या एक्चुअली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप पिन नंबर दो तो वो वेरीफाई हो जाता है या फिर आपको वो पैसा दे देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी बारे में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एटीएम मशीन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी मिलियंस ऑफ यूजर जुड़े हुए हैं एटीएम मशीन के साथ, और हर मतलब हर बंदे के पास एक एटीएम कार्ड बिल्कुल है, जो कि वो एटीएम मशीन में यूज करे या ना करे वो है। और अभी जो डिजिटल पेमेंट का अभी जो हो रहा है, इनिशिएशन अभी चल रहा है, जो इनिशिएटिव चल रहा है, उसी वजह से अभी एटीएम कार्ड का यूज थोड़ा बढ़ गया है। तो एटीएम कार्ड में जो सिंपल एक होता है, जो एटीएम कार्ड का जो स्ट्रिप के अंदर होता है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो कि कुछ यूजर इन्फॉर्मेशन सच एज डाटा, जो कि कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और एक ऑथेंटिकेशन की रखता है, और जो कि बाद में वो एटीएम को देकर वेरीफाई करता है। तो ये था एटीएम कार्ड के बारे में। अभी एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कोई कोई उसको बोलते हैं एनी टाइम मनी, एक्चुअली नॉट एनी टाइम मनी, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि करेक्ट डेफिनेशन है उसका। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल जानने से पहले हम उसे जानना पड़ेगा कि उसका कैसे ऑथेंटिकेशन होता है, कैसे वो पेमेंट देता है या फिर कुछ भी होता है, कुछ भी ट्रांजेक्शन। तो ये होता है, एक बैंक का एक सर्वर होता है और एक आप हो मतलब यूजर हो, और बीच में कोई होस्ट है जो कि आप दोनों को मतलब जुड़ के रखता है, तो वो है होस्ट प्रोसेसर, उसका काम है। तो होस्ट प्रोसेसर के बारे में हम बाद में जानेंगे। ये था सिंपल एक मतलब कैसे उन दोनों के बीच में एक ब्रिज रहता है, वो कैसे वो दोनों को मतलब कनेक्ट करता है। तो एक एटीएम एक्चुअली दोनों टाइप का है, एक डायल अप एटीएम है और एक है जो लीज लाइन एटीएम है। लीज लाइन एटीएम थोड़ा महंगा है, मतलब डायल अप एटीएम जितना मतलब कम कॉस्ट में हो जाता है उसका डबल से ज़्यादा लगेगा एक लीज लाइन एटीएम के लिए। तो लीज लाइन एटीएम वहाँ पर लगता है जहाँ पर बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। मान लीजिए ट्रांजेक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब क्राउड प्लेस में है एटीएम, वहाँ पर लीज लाइन एक्चुअली लगता है, और जहाँ पर थोड़ा कम ट्रांजेक्शन है वहाँ पर लगता है डायल अप कनेक्शन। तो लीज लाइन में कनेक्शन क्या होता है, उसका चार पोर्ट डेडिकेटेड वाला मतलब क्या कहते हैं उसको, टेलीफोन लाइन नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट होता है एटीएम होस्ट सर्वर से। और उसका काम होस्ट सर्वर क्या करता है कि आपको आपका बैंक के साथ जुड़ा जुड़ा रखता है, जो जिसकी वजह से आप कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पाते हो। और जो होस्ट सर्वर उसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इसी काम में आता है, गेटवे के मतलब वो एक ब्रिज बनाता है, वो एक डाटा सेंड करता है मतलब बैंक के वेबसाइट में, और बैंक उसको कुछ रिस्पॉन्स देता है। वो तो ये काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। तो एटीएम में जो कुछ बेसिक पार्ट्स है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो हर एक मशीन या फिर डिवाइस का कुछ इनपुट और आउटपुट है। तो बेसिकली एटीएम में भी ये होना चाहिए। तो एटीएम में बेसिकली दो इनपुट है, पहला है हमारा जो होता है कार्ड स्वाइप, हम कार्ड स्वाइप किए जो कि है कार्ड रीडर, जो कि आपको मैग्नेटिक स्ट्राइप से कुछ डाटा डिक्रिप्ट कर लेता है या फिर लेके अपने प्रोसेसर के अंदर भेजता है, तो वो है कार्ड रीडर। और दूसरा जो इनपुट है वो है या फिर बटन कह सकते हैं या फिर एलईडी में आप जो टच पैनल है उसको कह सकते हैं, जो कि कुछ इनपुट लेता है आपसे, तो वह है दूसरा। तो दोनों इनपुट हो गया। और एटीएम का है चार आउटपुट, चार आउटपुट पोर्ट में आता है। पहला है डिस्प्ले, जो कि आउटपुट में आपको अपना बैलेंस दिखाता है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से रिलेटेड है वो दिखाता है, ये पहला था डिस्प्ले। दूसरा था कैश डिस्पेंसिंग, जैसे मतलब जहाँ एक छोटा सा है रास्ता वहाँ पर आप कुछ कैश निकलता है वो है कैश डिस्पेंसिंग। और थर्ड प्रिंटर, जो कि आपका जो कुछ भी अमाउंट आप ट्रांजेक्शन किया या फिर कुछ भी स्टेटमेंट निकला तो वो आपको प्रिंट बना के दे देता है, वो है प्रिंटर। और फोर्थ है स्पीकर, जो कि कुछ ऑडिटोरियम फीडबैक देता है। फॉर एग्जांपल आप ट्रांजेक्शन कर कंप्लीट हो गया, वो देखा
ऐसा बोलेगा थैंक यू फॉर ट्रांजेक्टिंग विद अस, ये है। तो बेसिकली चारों आउटपुट पोर्ट है। अभी तो और भी आउटपुट इनपुट पोर्ट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर वॉइस डिटेक्टर, ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये दो इनपुट चारों आउटपुट है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट है एक होस्ट सर्वर, जो कि क्या करता है उस ट्रांजेक्शन को होस्ट करता है। होस्टिंग का मतलब आपको पता है, दोनों को बीच में ब्रिज बनाना, या फिर होस्टिंग जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट का कैसे ले लीजिए। होस्टिंग का मतलब होता है जैसे कि आपको वेबसाइट को इंटरनेट के साथ जोड़ना। तो यहाँ पर जो होस्ट प्रोसेसर होता है उसका भी सेम काम है। तो यूजर को बैंक के साथ जोड़ना, यूजर डायरेक्टली बैंक के साथ जुड़ नहीं सकता। तो वो पहले अगर आप एक कार्ड स्वाइप कर दिए, मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ मतलब शुरू से, कि पहले आप सपोज मान लीजिए आप एक कार्ड स्वाइप कर दीजिए, उसके बाद क्या होता है आपके जो कार्ड में कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि कार्ड नंबर, बैंक का नाम, ऐसे कुछ होता है, वो होस्टिंग प्रोसेस मतलब क्या कहते हैं होस्ट प्रोसेसर के पास जाता है। और होस्ट प्रोसेसर क्या करता है, उस बैंक को एक नोटिफिकेशन भेजता है या फिर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है कि आपका एक यूजर कार्ड नंबर इतना है, हमसे आपसे कनेक्ट होना चाहता है और कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहता है। तो बैंक वाले का हाँ कनेक्ट कीजिए, पर मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए कि वो यूजर मेरा ही बैंक का है या फिर मेरा ही यूजर है, एक्चुअल यूजर है। तो एक पिन का सिस्टम है, जो पिन का मतलब आपको पता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो पिन जो आप एनाबल किए हैं बैंक के थ्रू या फिर कुछ चेंज किए हैं एटीएम के थ्रू, वो पिन मांगता है होस्ट प्रोसेसर कि आप ये पिन एंटर कीजिए, कुछ पिन जो कि आप बैंक से लाए हैं। तो ये पिन एंटर करने के बाद आपको वो ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप पिन एंटर कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आप चारों पिन एंटर किए, तो चारों पिन जो एंटर किए आप उसको वो क्या होता है सिक्योर सॉकेट लेयर जो कि है SSL, और 256 बिट एनक्रिप्शन या फिर 128 बिट एनक्रिप्शन में होता है। पहले 64 बिट में होता था, पर अभी जो सिक्योरिटी का इश्यू इतना बढ़ गया है तो इसीलिए 128 या फिर 256 बिट का एनक्रिप्शन यूज होता है। तो बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप चारों ऐसे नंबर दिए, वो चारों नंबर को 256 लेटर के अंदर में घुसा के कुछ एल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद वो जो होता है बैंक के सर्वर में भेज देगा। बैंक के सर्वर में वो चला गया, अभी बैंक क्या करेगा सेम एल्गोरिदम अप्लाई करेगा, और वो एल्गोरिदम से वो चारों की को निकालेगा। चारों की को निकाल लिया और देखा कि नहीं यार ये मेरा यूजर है, तो वो होस्ट प्रोसेसर को फिर एक भेजता है पिंग कि नहीं ये मेरा ही यूजर है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये सब काम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही हो जाता है। तो होस्ट प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट कर लिया, अभी आपको एक डैशबोर्ड खुल जाता है आपका अकाउंट का कि आप क्या करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन करना चाहते हो या फिर मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, अपना पिन चेंज करना चाहते हो, ये ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। और अभी आता है कि कैसे आपको कैश डिस्पेंस होता है। तो कैश डिस्पेंसिंग में मैंने जैसे बताया एटीएम का बहुत सारा सेंसर होता है, जो कि एक ऑप्टिकल आई सेंसर होता है जो कि हर एक नोट को स्कैन कर लेता है और पता लगाता है कि नहीं ये नोट 100 का है या फिर 500 का है या फिर 1000, सॉरी 1000 तो अभी बंद हो गया है तो 2000 का है, कुछ भी हो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसका फ्रेमवर्क होता है, 100 के लिए ये वाला सेक्शन, 500 के लिए ये वाला सेक्शन, ऐसा होता है। अगर आप 500 फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं 1000 निकालना, तो वो क्या करेगा, अभी तो 1000 रुपया नहीं है, वो 2 500 रुपये या फिर 500 रुपया नहीं है तो 100 रुपया ऐसे चूज करेगा। उसका एल्गोरिदम है कुछ, तो वो चूज करने के बाद पहले ऑथेंटिकेशन होगा। वो जो होस्ट सर्वर है वो आपको बैंक में एक नोट मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपका यूजर 5000 या फिर 4000 या फिर 1000 कुछ भी हो अमाउंट निकालना चाहता है। तो बैंक कहेगा अच्छा अच्छा निकालना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, तो वो यस बोल देगा क्योंकि उसके पास फंड है। अगर फंड है तो होस्ट सर्वर फिर से बोलेगा कि तो वो फंड हमें दे दीजिए, हम उसको दे देंगे। तो बैंक बोलेगा नो प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है फंड जो होता है आपको बैंक से होस्ट प्रोसेसर जो है उसके अकाउंट में चला जाता है। होस्ट प्रोसेसर कुछ भी हो सकता है, होस्ट प्रोसेसर का थर्ड पार्टी हो सकता है, दूसरा बैंक हो सकता है। एक्चुअली होस्ट प्रोसेसर का काम है इंटर बैंक कनेक्शन बनाना और यूजर यूजर के बीच में कनेक्शन, मतलब यूजर और बैंक के और बैंक और बैंक के बीच में कनेक्शन बनाना। तो एक्चुअली ये जनरली थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि अगर कोई भी बैंक हो तो वो बैंक सिर्फ अपना ही बैंक का एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कोई बैंक का एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर थर्ड पार्टी हो कुछ तीसरा वाला, तो वो सभी मर्चेंट का एक्सेप्ट कर सकता है। तो होस्ट प्रोसेसर का तो मैंने सिंपल काम बता दिया।
अभी हॉस्ट प्रोसेसर के बाद अगर वो फंड जमा हो जाता है तो हॉस्ट प्रोसेसर एक सक्सेसफुल की भेजता है, वो सभी एनक्रिप्शन में होता है, कोई भी डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, जो भी की भी आता है वो भी एनक्रिप्शन में ही आता है, कि अगर आप एक भी प्रेस किए वो भी एनक्रिप्शन के थ्रू सर्वर में जाएगा, तो वो एक सक्सेसफुल मैसेज आपको दे देता है एटीएम को कि नहीं ये यूजर हमको पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, अब उसको आप कैश डिस्पेंस कर दीजिए, तो कैश गिनना लगता है ऑप्टिकल सेंसर और बाद में थिकनेस जो मेजर करता है उसका, और उसके बाद आपको कैश दे देता है। उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस है जैसे कि जर्नलिज्म, आप एक ट्रांजेक्शन किए उसका कुछ रिकॉर्ड स्टोर होकर रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो उसके बाद आपको जो प्रिंटिंग निकल आएगा कि आप इतने अमाउंट में ट्रांजेक्शन किए, ऐसे कुछ आएगा, उसमें एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि एनाबल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 4 ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट ही दिखाएंगे और दूसरा डिजिट नहीं दिखाएंगे, वो क्रॉस मार्क होके ऐसा रहेगा, तो और सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अगर फुल कार्ड का डिटेल्स पता चल गया तो सिक्योरिटी का क्या फायदा। तो ये है सिक्योरिटी के बारे में। अब जो प्रिंटिंग हो गया आपका कार्ड, अभी एक उसका जर्नलिज्म होता है, जो एक जर्नल्स होता है जो होस्टिंग, सॉरी क्या कहते हैं उसको, होस्ट होस्ट जो करता है, होस्ट प्रोवाइडर जो है वो, उसका जर्नलिज्म होता है, वो क्या करता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को वो अपने एक जर्नल में लिख कर रखता है, अप टू 2 ईयर्स वो रख सकता है, और जो होस्ट कंप्यूटर है या फिर होस्ट सर्विस है वो उसको, अब अगर यूजर का कुछ डिस्प्यूट निकलता है कि नहीं मेरा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर मेरा ये ट्रांजेक्शन गलत हाथ में चला गया, ऐसा कुछ आता है तो वो उसको दिखा सकता है। तो यह था सिंपल कैसे उसका डाटा स्टोर करके रखता है, फॉर अगर दो डुप्लीकेट डाटा हो गया तो उसको ट्रैश के अंदर में डाल देता है, ऐसा कुछ प्रोसेस है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ डिस्प्यूट में से फंस गए हैं और आपको आप चाहते हैं कि उसको जानने के लिए, तो आप डायरेक्टली वो जर्नल मंगा सकते हैं कि मुझे वो जर्नल दे दीजिए, मैं अपना ट्रांजेक्शन देखूंगा वहां पर, तो वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा एप्लीकेशन देना पड़ता है पर हो जाता है। अगर कोई भी आपको ऐसा देने में के लिए मना करता है तो आप सीधा अपने बैंक में जाइए और बैंक अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे ये वाला ट्रांजेक्शन चाहिए, तो वो क्या करेंगे डायरेक्टली आपका जो होस्ट प्रोसेसर है उनके पास एप्लीकेशन भेजेंगे, और अब होस्ट प्रोसेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं उस डेट में इसी टाइम में इस यूजर का कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है वो दिखा देगा। ये था होस्ट प्रोसेसर का कुछ काम। अब आता है जो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मनी आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, तो मनी भी ट्रांसफर होता है सेम सेम मतलब सेम लॉजिक, पहले होस्ट प्रोसेसर के अकाउंट में जमा होगा, होस्ट प्रोसेसर अगर एक ऑथेंटिकेशन की दे दिया सक्सेसफुल का तो वो दूसरा जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब आता है पिन चेंज भी सेम, पिन आप पहले एंटर किए एनक्रिप्शन के थ्रू वो सर्वर में गया, सर्वर उसको वेरीफाई किया, अब सर्वर उसको एक सक्सेसफुल मैसेज रिटर्न करेगा जिसकी वजह से आप फिर से वो पिन एंटर कर पाएंगे, वो जो पिन होता है फिर से वो एनक्रिप्ट होकर फिर से बैंक के सर्वर में जाता है और बैंक सर्वर उसको सेव करता है, सेव करने के बाद आपको पिन चेंज हो जाता है। ये था सिंपल जो उसका ट्रांजेक्शन के बारे में, सभी होस्ट प्रोसेसर के थ्रू होता है, तो होस्ट प्रोसेसर यहाँ पर मेन जो है मेन एजेंट है जो कि बैंक बैंक में और बैंक यूजर के बीच में एक ब्रिज बना के रखता है। तो ये था। अभी आते हैं कुछ एटीएम के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। एटीएम तो यूज करना पॉसिबल है पर उसका सिक्योरिटी के भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही ना हो तो क्या फायदा, हर कोई हैकर आके मैन इन द मिडिल अटैक कुछ भी करके आपका डाटा ले जाएगा, तो इसलिए 256 या फिर 128 बिट एनक्रिप्शन यूज होता है, जिसकी वजह से हैकर्स बीच में से कुछ डाटा स्निफ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। और यूजर से भी कुछ बैंक ने बोला है, हर एक बैंक का एक रिक्वेस्ट है जैसे कि आप पिन एंटर करने के समय आप कुछ भी वहां पर मतलब दूसरों को दिखने नहीं दीजिए या फिर कुछ ऐसे जेस्चर मत कीजिए जैसे कि कैमरा में आप कैप्चर हो जाए कि नहीं आप ये की दबाए हैं, और आप उसका जो पिन कोड है आपको कुछ मतलब कहीं पे भी लिख के मत रखिए या फिर आप डेट ऑफ बर्थ पे मत लिखिए या फिर कुछ भी जो आपसे रिलेटेड हो आप उसी नाम पर या फिर उसी नंबर पर कोई भी पिन नहीं रखिए। तो ये था सिंपल एक मतलब सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेरा चारों वीडियो पे अभी 50 सब्सक्राइबर है, मैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, तो मैं चाहता हूँ जो भी यूजर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें कमेंट करें, ताकि मैं आपका कमेंट का जो कुछ डाउट्स हो उसको रिप्लाई दे सकूँ, या फिर कुछ भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट करें, और कृपया इसे लाइक करें ताकि आप हमारे एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए जहाँ पर बहुत सारे यूजर होंगे और बहुत सारा डिस्कशन होगा और बहुत सारा टॉपिक होगा जहाँ पर
आप एक टॉपिक देंगे और मैं उसके बारे में बोलूँगा, या फिर कुछ डाउट देंगे मैं उसके बारे में बोलूँगा। तो आई होप मेरा आइडिया आप लोगों का अच्छा लगा होगा। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।